हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। दिस इज़ द क्लास ऑफ 12th फ्लेमिंगो बुक एंड चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। वी आर गोइंग द डिस्कस अबाउट ऑफ द स्टेप बाय स्टेप लाइक अ फर्स्ट अबाउट द ऑथर एंड सेकंड बैकग्राउंड एंड एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट इज अबाउट ऑफ द ऑथर। ऑथर अबाउट ऑफ द ऑथर यानी जो ऑल्फंस डुएट हैं वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो क्या हैं? एक तो नॉवेलिस्ट हैं जो नॉवल लिखते हैं और स्टोरी राइटर हैं जो छोटी छोटी स्टोरी लिखते थे। इनका जो बॉर्न हुआ है 1840 में और डाइड जो मृत्यु हुई थी वो 1897 में। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वॉर 1870 and 71 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क जो थे प्रशिया को लीड कर रहे थे, उनके मिनिस्टर थे। तो जब वो प्रशिया की कमांड उन्होंने अपने हाथ में ली थी तो फ्रांस को उन्होंने क्या करा, हरा दिया। फ्रांस प्रशिया से हार जाता है फ्रेंको प्रशियन वॉर जो हुई थी। अब इस चैप्टर में लास्ट लेसन जो इन्होंने सेट करा है तो ये उन दिनों की स्टोरी इसमें बताने की कोशिश की गई है कि फ्रांस हार जाता है एंड प्रशिया जो दैट टाइम पे प्रशिया था कंसिस्टेड ऑफ, उसमें क्या क्या शामिल हैं, नेशन ऑफ द जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। आज के टाइम पे जो दैट टाइम पे प्रशिया था वो जर्मनी है और ये सब शामिल होकर ही प्रशिया था पहले। एंड इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलसास एंड लॉरेन है पास इनटू पर्शियन हैंड। तो ये किसके हाथों में चले जाते हैं जब वॉर होती है, यानी जो मेन जो वहाँ का पूरा प्रशिया है तो उसके दो डिस्ट्रिक्ट किसके हाथ में चले जाते हैं, दो डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं बिल्कुल जो दोनों के दोनों होते हैं प्रशिया के हाथों में। ठीक है, फ्रांस के ये दोनों डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं। एंड रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और इसमें हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में कि इफेक्ट जो स्कूल की लाइफ होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब मेन थीम क्या है स्टोरी की, मेन थीम यही है कि पेन जो है, ठीक है, दैट इज़ द इन्फ्लेक्टेड ऑन द पीपल। वहाँ का जो पेन है बाय इट्स कॉन्कर बाय द टेकिंग अवे द राइट ऑफ द स्टडी एंड स्पीक देयर ऑन लैंग्वेज, यानी उनको बोलने का या पढ़ने का अपनी लैंग्वेज में राइट नहीं था। तो जो कॉन्कर यानी जो प्रशिया था तो उसने ये राइट ले लिया, ठीक है, फ्रांस से कि फ्रांस लैंग्वेज यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज है अब नहीं पढ़ाई जाएगी। कहाँ से, ये पेरिस से ऑर्डर आए थे, यानी जो पेरिस है वो किसकी कैपिटल है, जो जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी की कैपिटल जो कि बर्लिन है। तो बर्लिन से ये क्या आए थे, ऑर्डर आए थे कि आप अब यहाँ पे ये नहीं पढ़ाओगे, अब कल से ही यहाँ पे जर्मनी सिखाई जाएगी और जितने भी टीचर हैं वहाँ से उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी जो फ्रांस के अंदर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो लैंग्वेज सिखाते थे फ्रांस के, ये दोनों एलसेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती थी, तो जो इनके टीचर्स हैं अब उनको वहाँ से वो स्कूल छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि अब वहाँ के लोग अपनी लैंग्वेज नहीं सीख सकते क्योंकि अब जर्मनी सिखाई जाएगी और जर्मनी के टीचर वहाँ पे आएंगे। तो ये जो सारा सिस्टम हो रहा था किस में हो रहा था, ये सब डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था। जर्मनी से जो भी कमांड आ रही थी, ऑर्डर आ रही थी फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट में ये कमांड आ रही थी। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यही है कि जो पेन था, जो लोगों के अंदर की कोई मदर टंग अब नहीं बोली जाएगी वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी है। मेन थीम वही है कि किस तरीके से यहाँ पे शो ऑफ किया गया है पूरी स्टोरी में। द लास्ट लेसन का मोटिव ही ये है, लास्ट लेसन दैट मीन्स कि उस दिन का वो लास्ट लेसन है फ्रांस का, उसके बाद से फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी।
तो फॉर्मली जो स्कूल टीचर हैं ये एम हेमल हैं, जो कि अगर हम देखें जो पेरिस में जर्नलिस्ट थे और स्टोरी राइटर भी रहे हैं और उन्होंने नोबल्स भी लिखे हैं, तो वो इस लेसन के ऑथर हैं। अब इसके बाद हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरीके से उन्होंने इस स्टोरी में इस थीम को रिफ्लेक्ट किया है। तो आई आई मीन्स यहाँ पे फ्रेंच है जो कि स्टोरी को नरेट कर रहा है, नरेटर है। द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय फ्रेंच, जो ये स्टोरी है वो एक फ्रेंच बॉय की है। ही टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट हिज फ्रेंच टीचर एम हैमल्स यानी मिस्टर हैमल्स के बारे में, लास्ट लेसन इन दियर स्कूल, कि उनका दैट डे जो लास्ट लेसन था स्कूल में, क्योंकि उसके बाद उसको फ्रेंच नहीं पढ़ानी थी। अब फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन दियर स्कूल, क्योंकि अब स्कूल में वो लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जानी थी। तो इस स्टोरी को यंग बॉय जो है नरेट कर रहा है फ्रेंच, वो बोलता है फॉर स्कूल वेरी अ फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस एज ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई हैड डिड नॉट नो द फर्स्ट अवर्ड अबाउट दैम। इसमें वो बोलता है जैसे मॉर्निंग मैंने शुरू करी तो मैं बहुत लेट हो गया था, क्योंकि आप नॉर्मली जब स्कूल के लिए जाते हो आप भी कई बार लेट हुए होंगे। तो उस मॉर्निंग वो कहता है फ्रेंच कि मैं बहुत लेट हो गया था स्कूल के लिए और मुझे इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन्स लिख लीजिए फियर ऑफ इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन्स होता है फियर ऑफ, यानी उसे बहुत डर लग रहा था स्कोल्डिंग से, डांट से, क्योंकि स्पेशली जो मिस्टर एम हैमल उनके टीचर हैं उन्होंने उनको कुछ क्वेश्चंस दिए थे पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल्स क्या है? फ्रेंच की ग्रामर का ही एक पार्ट है, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल होते हैं। तो ही डिड नो नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, जबकि उसको उसने रेडी नहीं करा था पार्टिसिपल वाला चैप्टर, उसके क्वेश्चंस, और ना ही उसको एक वर्ड भी नहीं आता था, तो उसके लिए भी उसको बहुत डर लग रहा था। फॉर अ मोमेंट उसने एक पल के लिए सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं यहाँ से दूर चला जाता हूँ, स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स यानी इधर उधर बाहर घूम के अपना टाइम बिता लेता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब यहाँ पे फ्रेंच जो उस टाइम का एटमोसफेयर है वो एक्सप्लेन कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर मैं बाहर जाता हूँ इधर उधर तो मौसम तो बहुत अच्छा है, वार्म है, ब्राइट है। वार्म यानी और ब्राइट यानी इंडिया के अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो हमें तो बहुत स्क्रॉचिंग लगता है कि भाई अरे बहुत ज़्यादा धूप है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा जो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, लेकिन कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जून में, कितनी ज़्यादा स्क्रॉचिंग होती है। बट वहाँ का जो जो क्लाइमेट है, तो वहाँ का कैसा क्लाइमेट है? फ्रांस का कोल्ड है। तो वहाँ पे तो ब्राइटनेस और जो वार्म है वो अच्छा ही लगेगा। तो वो कहता है कि भाई आज का जो दिन है वो तो वार्म है सो ब्राइट भी है तो बहुत अच्छा है। बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। यहाँ पे सॉ मिल मीन्स क्या है? सॉ मिल मतलब है अ फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड, अ फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड। और ड्रिलिंग यानी आप लिख लीजिए एक्सरसाइज। और यहाँ पे एज ऑफ द वुड यानी फॉरेस्ट, तो जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं, और फैक्ट्री के पीछे जो सॉ मिल है वो यानी उसके वो पीछे का जो एक मैदान है वहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। और फ्रेंच को कैसे पता चला कि सोल्जर एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्योंकि वो ड्रम बीट के साथ करते हैं तो ड्रम की साउंड आ रही थी। इट वॉज
वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग. टैम्पटिंग का मीन्स होता है अट्रैक्टिंग. ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग था. अट्रैक्टिंग यानी ये जो पूरा एटमोसफेयर की बात की गई है. फ्रेंच कहता है कि अगर मैं इधर उधर घूमता हूँ, अपना दिन बिताता हूँ स्कूल ना जाके, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि मतलब ये जो एटमोसफेयर है बहुत अट्रैक्टिव है. किसके कंपेरेटिवली? पार्टिसिपल के जो रूल हैं, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, उससे तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट. रसिस्ट मीन्स होता है टू स्टे अवे, किसी चीज़ से दूर रहना. तो उसके उसने बोला कि मेरे अंदर बट इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रख सकूं. उसने अपने आप को रेसिस्ट किया एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ कि मुझे स्कूल जाना है. तो यहाँ पे वो अपने आप को इस अट्रैक्शन से दूर रखता है कि एटमोसफेयर तो सही है, इधर उधर घूमने का आइडिया भी बहुत बेस्ट है, बट इससे बेस्ट है कि मैं स्कूल ही चला जाता हूँ. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. टाउन हॉल यानी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है. और बुलेटिन बोर्ड मीन्स अ नोटिस बोर्ड फॉर पुटिंग अप द लेटेस्ट न्यूज़, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो न्यूज़ है वहाँ पे अपडेट की जाती हैं. अब मतलब क्या है क्या नहीं, जिसे लोग पढ़ सकें. एक नोटिस बोर्ड होता है, ठीक है. अ नोटिस बोर्ड फॉर पुटिंग अब द लेटेस्ट न्यूज. बुलेटिन बोर्ड और टाउन हॉल. जब वो वहाँ से जा रहा था, आई यानी फ्रेंच जाता है, तो उसे वहाँ पे एक टाउन हॉल मिलता है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग, जहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, लोग खड़े हुए थे बुलेटिन बोर्ड के सामने. यानी उस बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े थे, तो वहाँ पे कोई लेटेस्ट न्यूज़ लगी होगी जिसको देखने के लिए वो सब खड़े थे. फॉर द लास्ट टू ईयर्स से, जो भी 2 साल से न्यूज़ आ रही थी बैड न्यूज़. कौन सी न्यूज़? बैड न्यूज़. कम फ्रॉम देयर, यहीं से आ रही थी, बुलेटिन बोर्ड से ही. उसी से ही पता चलता था कि कितनी जो बैटल्स हैं वो उन्होंने हारी हैं फ्रांस ने, जो ड्राफ्ट है या ऑर्डर आ रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर्स के, वो वहीं सारी अपडेट्स वहीं से पता चलती थी. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, उसने अपने आप में ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, अपने आप को रोके बिना, वट कैन बी द मैटर नाउ, कि एक्चुअली में क्या मैटर है जो यहाँ पे सब इतना क्राउड है. उसने वॉक करते हुए सोचा, यानी चलते चलते सोचा. ऐसा नहीं है कि क्राउड को देख के उसने अपने आप को स्टॉप कर लिया. वो नॉन स्टॉप वहाँ से चलता रहा. एंड देन एज आई हर्ड, यानी फ्रेंच कहता है, मैं उतनी स्पीड से चला जितना मैं चल सकता था, आई कुड गो. एंड द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हीज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस यानी ट्रेनी, जो ट्रेनी होता है, जो ट्रेनिंग लेता है. ब्लैक स्मिथ का नेम है वॉचर, जो वहाँ पे था बुलेटिन बोर्ड के पास अपने ट्रेनी के साथ, और बुलेटिन बोर्ड को पढ़ता है. एंड आफ्टर कॉल्ड आफ्टर मी, उसको फिर बुलाता है फ्रेंच को. डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी फास्ट मत चलो. बब मीन्स क्या है? निक नेम गिवन टू चिल्ड्रन. जब एक बच्चे को प्यार से बुलाते हैं हम, तो बब है. तो आप लिख लीजिए, अ निक नेम गिवन टू चिल्ड्रन. बब मीन्स यू गेट टू योर स्कूल इन प्लंटी ऑफ टाइम. तुम्हारे पास इनफ टाइम है, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो, जल्दी मत करो बब. आप आराम से, आपके पास टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए. कौन कहता है? ब्लैक स्मिथ, यानी जो लोहार का काम करता है, लोहे का काम करता है, और उसके साथ वो जो
ट्रेनर था उसका, वो भी था जो ट्रेनिंग लेने के लिए था, दोनों कहाँ खड़े थे, बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ पढ़ रहे थे। तो उन्होंने फ्रेंच को देखा क्योंकि वो बहुत फास्ट फास्ट जा रहा था, वहाँ से निकल रहा था। फ्रेंच सोचता है ही वॉज़ मेकिंग फन ऑफ मी, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स, वो इस चीज़ को इग्नोर करके पहुँचता है कहाँ पे, अ लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी जहाँ पे स्कूल, स्कूल के आगे एक छोटा सा गार्डन हैमल ने बनाया रखा था अपना, वहाँ पे जाके वो पहुँचता है क्योंकि हैमल स्कूल में ही रहता था। वहाँ जाके वो सांस लेता है या हाँफता है, रुकता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स टू रिपीट इन यूनिसन वेरी लाउड विद अवर हैंड ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। यहाँ पे बसल मीन्स है अ लॉट ऑफ नॉइज, अ लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय मैनी पीपल, यानी जब शोर शराबा किया जाता है, स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया जाता है तो बसल। तो जब स्कूल स्टार्ट होता है आपको पता है कितना ज़्यादा नॉइज़ होता है, जो कि आप गली में भी सुन सकते हैं, डेस्क के बंद होने की खुलने की आवाज़, जो लेसन है बच्चे रिपीट कर रहे हैं, यूनिसन यानी एट द सेम टाइम। जब एक ही सेंटेंस या वर्ड को रिपीट किया जाता है एक साथ, तो वो यूनिसन कहलाता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से बच्चे रिपीट कर रहे थे, एंड अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छे से समझने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए सब ने अपने कानों पे हाथ रखे हुए थे। एंड जो टीचर है वो रैपिंग यानी स्ट्राइक क्या कर रहा था, वो स्केल से टेबल पे स्ट्राइक कर रहा था, मार रहा था, स्ट्राइकिंग, रैपिंग, ठीक है, रैपिंग, यूनिसन और बसल, ये वर्ड हैं जो आपके आपको क्लियर होने चाहिए। एंड बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, ये सब चीज़ें स्कूल में होती हैं, जब स्कूल स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, सब चीज़ें हम देखने को मिलती हैं, नॉइज़ होता है, जो टीचर हैं वो टेबल पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं और बच्चे बहुत लाउडली रीड कर रहे होते हैं, बट ये सब चीज़ें उस दिन नहीं थी। नाउ इट वॉज सो ऑल्सो स्टिल, सब कुछ शांत था। एंड आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन यानी नॉइज भी कह सकते हैं, कन्फ्यूज़न, एंड काउंटेड यानी डिपेंड अपॉन। तो इस तरीके का जो नॉइज होता था, जब कभी भी लेट होता था फ्रेंच, तो वो क्या करता था, वो डिपेंड होता था इस तरीके के नॉइज पे, टू गेट टू माई डेस्क, यानी वो अपना डेस्क ले सके विदाउट बीइंग सीन, किसी के देखे बिना, क्योंकि इस नॉइज़ का वो एडवांटेज लेके, फ़ायदा लेके फटाफट से अपनी सीट पे बैठ जाया करता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे, उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ शांत था, जैसे कि संडे की मॉर्निंग को होता है, स्कूल बंद होता है जब। एंड थ्रू द विंडो फ्रेंच सॉ माई क्लासमेट, हीज क्लासमेट, वो अपनी क्लासमेट को देखता है विंडो से। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, सब अपनी जगह पे बैठे हुए होते हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हीज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हीज आर्म, टेरिबल यानी क्योंकि वो सब बच्चे उस आयरन रूलर से डरते थे, तो वो उन्होंने अपने हाथ में दबाया हुआ था, ठीक है, आर्म्स के नीचे, और वो आगे पीछे वॉक कर रहे थे क्लास में।
फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर, जब उसने डोर ओपन करा और गो इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने जब वो एंटर करता है जाता है, यू कैन इमेजिन हाउ फ्रेंच ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। यानी फ्रेंच कहता है, आप इमेजिन करो मैं कितना डरा हुआ होऊंगा जब मैं ओपन करता हूँ, क्लास के अंदर एंटर करता हूँ, एंड उसका जो फेस था टर्न रेड इन कलर ड्यू टू द शेम। यानी ब्लश यानी उसका जो फेस है वो चेंज हो जाता है रेड कलर में, क्योंकि शेम की वजह से उसको थोड़ा सा फील होता है। बट नथिंग हैपन, कुछ नहीं होता। एम हेमल सॉ मी, एमएल ने उसे देखा। हेमल ने सेड वेरी काइंडली, आराम से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी सीट पर जाइए। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम ये लेसन आपके बिना ही स्टार्ट करने वाला शुरू ही कर रहे थे, तो आप जल्दी बैठो। फ्रेंच जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। यानी फ्रेंच जो है वो जल्दी से अपने बेंच पर बैठता है जंप करके और वहाँ पर बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जैसे ही वो अपने डर को कंट्रोल करता है, डिड आई सी दैट, उसने फ्रेंच ने देखा कि जो उसका टीचर है उसने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, ही इज़ फ्रिल्ड, और जो फ्रिल्ड वाली शर्ट है, ठीक है, फ्रिल्ड वाली शर्ट है जो उसने पहनी हुई है, द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप है और वो एम्ब्रॉयडर्ड है, दैट नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड द प्राइज डेज। वो सिर्फ ये तभी पहनता था ये वाली ड्रेस हमेशा जब या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस होता था या कोई इंस्पेक्शन के लिए आता था, तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। एंड बिसाइड, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सॉलन। यानी बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे थे जो भी वहाँ पे एटमोसफेयर था या जो चीज़ उस वो देख रहा था। तो सॉलम यानी आप लिख सकते हैं सीरियस। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो उसको लगी, ये सब चीज़ें तो थी जो सरप्राइजिंग थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, ऑन द बैक बेंचेस, मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे के बेंचेस थे वो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स। लेकिन वहाँ पे आज विलेज पीपल बैठे हुए थे और हमारी तरह बिल्कुल शांत, लाइक अ कौन कौन थे, ओल्ड हॉसर, यानी जो वहाँ का बहुत बड़ा पुराना कोई मुखिया होगा, मेन पर्सन होगा, एंड उसने थ्री कॉर्नर हैट पहनी हुई है, यानी थ्री कॉर्नर हैट यानी लाइक दिस, जिसके तीन कोने होते हैं, 1, 2 और 3, ऐसे कोने वाली जो हैट पहनी रखी थी, एंड जो फॉर्मर मेयर हैं या फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे वो भी वहाँ थे, और सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अलावा और भी थे, फॉर्मर यानी जो रिटायर्ड हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब उदास दिख रहे थे, एंड हॉसर हैड ब्रॉट ऑन एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर था, जो मेन मुखिया था, जो पुराना सबसे मैन था, उसके हाथ में प्राइमर था। प्राइमर मतलब जो बेसिक रीडर बुक होती है, जैसे अल्फ़ाबेट सीखने के लिए हम ABCD रखते हैं ना, तो बेसिक रीडर बुक, रीडर ऑफ मैनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जैसे सीखते हैं तो उसके लिए जो मेन बेसिक बुक होती है वो थी, वो होता है प्राइमर, और वो थंब्ड थी, यानी टॉर्न, थोड़े से किनारे फटे हुए थे, एंड डैमेज। प्राइमर थी जो कि थंब्ड थी, उसके जो कॉर्नर थे एजिस, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हीज नीज, ऑन हीज नीज यानी जो लैप है उसकी गोदी है, ऑन हीज नीज यानी लैप, विद हीज ग्रेट स्पेक्टेकल्स यानी जो उसके चश्मे थे, लाइंग अक्रॉस द पेजिस, और बुक की जो पेजिस थे उसके ऊपर उन्होंने अपना चश्मा रखा। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सब चीज़ें देख के बहुत सरप्राइज था फ्रेंच, तो एम हेमल माउंटेड ही चेयर पे बैठते हैं, एंड द सेम इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, एक ही टाइम पे दोनों टोन उनकी होती हैं, बहुत ज़्यादा जेंटल वाली और बहुत ही ज़्यादा ग्रेव यानी सैड वाली, दुखी वाली साउंड था।
उस टोन में वो बोलते हैं हैड यूज़ टू मी सैड विच ही हैड यूज़ टू मी उनके लिए जो कि वो उनके लिए बोलते थे सैड माई चिल्ड्रन बच्चों दिस इज़ द लास्ट लेसन जो कि आज मैं आपको देने वाला हूँ आई सेल गिव यू लास्ट लेसन वो क्यों कहते हैं क्योंकि इसके बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि जो जर्मनी है जर्मन कल से जर्मन सिखाई जाएगी और जर्मनी के लिए जर्मन से टीचर्स आएंगे जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सस एंड लॉरेन ठीक है जर्मन इन दोनों में सिखाई जाएगी जो कि फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं एंड द न्यू मास्टर कम टुमोरो कल से नए मास्टर आएंगे दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव वेरी अटेंटिव यहाँ पे वो इस टोन में वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चों आज तक आपने अपनी मदर टंग को इतनी वैल्यू नहीं दी होगी जबकि एक टीचर को और एक स्टूडेंट को हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए और उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए वो कहते हैं आज लास्ट लेसन है तो एटलीस्ट आज आप उस पर क्या करें अटेंटिव रहें ध्यान दें क्योंकि मदर टंग जो होती है वो एक ऐसा जिसे कह सकते हैं टूल है हथियार है कि कोई भी अगर आपको कोई गुलाम बनाता है स्लेवरी बनाता है तो आप उसके थ्रू ही ओवरकम कर सकते हो अपनी इंडिपेंडेंट गेट कर सकते हो क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा मीडियम है अपने आप को स्लेवरी से फ्री करने के लिए तो कहता है ये आपके लिए बहुत अटेंटिव है और आज तो आपको अटेंटिव होना ही पड़ेगा एक टीचर को भी अटेंटिव होना चाहिए हमेशा ही और स्टूडेंट को भी आपने अभी तक कभी अटेंटिव नहीं रहे हो तो आज आपको अपनी मदर टंग को वैल्यू देनी चाहिए तो ये इसीलिए वो लास्ट लेसन कहते हैं और बड़ी सैड और जेंटल टोन में देते हैं जैसे कि वो उस फ्रेंच के लिए यूज़ करते थे बच्चों के लिए यूज़ करते थे तो उस दिन भी उन्होंने उस टोन में बच्चों को बोला और बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव करने के लिए बोला क्योंकि उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप लर्निंग